मैं राखी को तब से जानता हूँ जब इसका फिल्म इंडस्ट्री में पहला दिन था। पहले दिन इसने मेरे साथ शूटिंग की, एक गाना किया, वो पहला दिन था। और तब से मैं राखी का दोस्त हूँ, राखी मेरी दोस्त है। और उसके बाद एक हमने फिल्म की दिल का सौदा, जिसमें राखी हीरोइन थी, तो राखी से मुलाकात हो या ना हो, दिल मिले हुए हैं। आँखें मिले ना मिले, दिल के कनेक्शन मिले हुए हैं। हमेशा बात करते रहते। फ़ोन के कनेक्शन ना हो, दिल के कनेक्शन मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को खोना जो है दुनिया में, उससे बड़ा तो कोई सदमा हो ही नहीं सकता। राखी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, बहुत उसने कोशिश की इलाज कराने की, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी होती है, होता तो वही है। जाना तो सभी को है, सभी को जाना, लेकिन राखी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरी पूरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, मेरी दोस्त के साथ हैं। भगवान जो है जया जी की आत्मा को शांति दे और राखी को इस सदमे को सहने की ताकत बख्शे। जया जी को भी मैं निजी तौर पे जानता था, बहुत ही सीधी सच्ची सादी, जैसे आम घरेलू औरतें होती हैं वो वैसी थी, बड़ी सीधी थी। राकेश को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके भाई को, राकेश के साथ भी मैंने काम किया है और मेरे इनसे पारिवारिक संबंध है। तो मैं यही कहूँगा कि राखी का गम मेरा गम है, राखी का सुख मेरा सुख है, राखी की खुशी मेरी खुशी है और मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। मिसेज रजा मुराद जी आए हैं, रजा मुराद जी आए हैं और आज मम्मी को ईयर्स में आखिरी सात सांस तक कहते हैं ना कि कैंसर से लड़ी है। जी जी, इतनी तकलीफ, इतनी कीमोथेरेपी, रेडिएशन, मैं समझ रहा हूँ। और उनकी फाइटिंग स्पिरिट तुम में आई है, ये जो तुम में जो लड़ने की शक्ति है और जो तुम अपने लड़ने के लिए बदनाम और मशहूर हो, वो तुम्हें तुम्हारी वालिदा से, तुम्हारी माता जी से, वो तुम्हें लड़ने की ताकत मिली है और हमेशा लड़ती रहो, हमेशा लड़ती। तुम लड़ती हुई, तुम लड़ती अपनी जंग पूरी अकेली लड़ती, तुम लड़ती हुई बहुत अच्छी लगती है। तब भी वो खड़ी रहती है, इसके लिए सबसे बड़ी रेली मेरे लिए अच्छा लगता है कि अकेले होने के बावजूद ये सारी जंग अपनी। और एक बात बताऊँ राखी, एक बात बताऊँ, उनकी दुआएँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं, शारीरिक तौर पर नहीं हैं, उनकी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे लिए एक शेर कहता हूँ कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। हाँ, तो माँ की दुआओं का असर हमेशा तुम पर आएगा। आज हुआ है, मेरा आदिल, मेरा हस्बैंड वापस लौट के मेरे पास आ गया है। रजा जी, पहली बार ये खुशखबरी आज श्रद्धांजलि पे मैंने बताया। खुदा करे, भगवान करे, आपका ये वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही सुखमय मंगलमय गुजरे। आप दोनों एक दूसरे से